तरन तारण के पिंड पिथी विखे बीती रात लुटेरा गिरोह की आपसी गैंगवार विच गोलियां चलन कारण घर के दरवाजे विच खड़ी बुजुर्ग औरत की गोली लगन कारण मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान महिंदर कौर वजो हुई है। घटना विच लुटेरा गिरोह की एक मैंबर भी गोली लगन कारण जख्मी होया है। घटना के चश्मदीदा ने दसिया कि बीती रात लुट्टा खोआ करन वाले पिंड के कुछ नौजवानों से मोटरसाइकिल सवार नौजवानों वालों गोलियां नाल हमला कर दिता गया थी। दूजे पासे थाना सदर के मुखी प्रभजीत सिंह ने दसिया कि बीती रात पुलिस वालों धारा 307 तहत मामला दर्ज किया गया है। तरन तारण तो सरबजीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। ये भाजी अपने 8 बजे का टाइम हुई रात, तो इन्होंने मुड़ के फोन किया है सानू, कहते आ वारदात हो गई है कानूनी के विच। तो जो अं उ मौके पर पहुंचे हाँ तो उत्थे सानू पता लगा है कि इन ये जेडे साढ़े पिंड अगे मतलब कि लुटा खोह वाला ग्रोह हैगा वा। ये रात में इदा लुटा खोह करते एक दूजे तो मतलब कि फोन खोहते चैनिया खोहते पैसे पुए लुटते बूहे पाए लाते हैं। इन आपस में ही कोई हैगी तो वो जी बीबी बेचारी ये दुध लैन चली ही घरों, तो जो ये मुंडे आपस में गोली चला दे ही तो वह बीबी के भी एक गोली बेचारी के पट जो वज गई तो यदि डैथ हो गई है, मौत हो गई है। ये साढ़े हरपिंदर सिंह आते कुछ होर मुंडे नाल होंगे आ कि जेडे रात में ये काम करते, कुछ बाहरों अणपछाते बंदे आए आ पाँच चार दो मोटरसाइकलों के आते, जो मौके जाके वेख्या तो गोलियां दे छिके साढ़े हाथ ही आ, तो गोली वाहवा ही चली उ मतलब कि इन्होंने इन्ना भी इटे रूड़े हूँ चलाए आता, तो कोई अपना कसूर ही नहीं बेचारी अमिंदर कौर का जी ये इन्हें डैथ हो गई है। मैं सुरेंद्रपाल सिंह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी प्रधान पिद्दी जी। ये अजी रात 8:30 के करीब हरपिंदर सिंह नाम का लड़का हरपिंदर सिंह सन चरण सिंह जिदे उत्ते अणपछाते व्यक्तियों ने हमला किया, हमला करने तो बाद वो जदों उहदे नाल इक साथी उहदा ही वह भी उतों भज्जिया वारदात दौड़ के गली में आया वा, जो गली में आया वा तो वो पिछे उन्होंने बंदिया ने चार पाँच बंदिया ने फायरिंग की आ, फायरिंग की आ जनानी बहर आई महिंदर कौर, महिंदर कौर जो बहर आई वो पट्ट गोली लग गई, गोली लग गई अक के उन्होंने होस्पिटल लग गए जी। होस्पिटल जो लैन के बावजूद वो जख्मों की ताप ना झलती हुई दम तोड़ गई, उत्थे असी प्रशासन के कोलों मंग करते हैं कि सानू न्याय दवाया जाए, जिहड़ी इस गुंडागर्दी नूं नत्थ पाई जाए, जिहड़े वेहले लफंडर तुरे फिरदे आ इन्हां दे वल सरकार दा कोई ध्यान नहीं आ, जिथे मर्जी वारदात करी जांदे आ कि को पैसा खोले किसी की वाली खोली किसी का कुछ कर लिया कुछ कर लिया, प्रशासन कोलों यही मंग आ सानू इंसाफ दवाया जाए। देखो जी रात सानू जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ करीब 9:30 जिहड़ी आई है जिदे विच इन्हां दस्सिया है कि उत्थे फायर होया, तो इन्होंने उन्होंने दोनों जणियां नूं गुरु नानक देव सुपर स्पैशलिस्ट होस्पिटल च लिया के दाखिल करवाता है, जिदे विच रात ही अहीं 307 148 149 आर्म एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज करती सी, बट हुण मॉर्निंग जदों सानूं उत्थे जाके रिपोर्ट लई है जिदे विच माता जी जिहड़े महिंदर कौर आ एक्सपायर हो गया, जिहदे संबंधी हुण 302 दा वाधा जुर्म कर दिता गया। आपस अजे वेरीफाई कर रहे हैं, आपस में जिदा इन्हों की कोई गल तो कोई टच ला वेरीफाई कर लें कि गल आ सारी क्लीयर कर रहे हैं। एक मुंडा होर आई जरा भी इंजर्ड आ, भी गोलियां लगियां शरे लगे आ। सर एक चीज़ देखने को मिली पिंड बड़ी एक तो दहशत है, दूसरा कहते कि नशा इन्ना ज़्यादा कि इतने आए दिन मुंडे लड़ते रहते हैं चोरियां डकैतियां नशे कारण कहते सारा कुछ। देखो जी गल है ये तो वेरीफाई करके सारी गल क्लीयर होगी ना कि उत्थे की बाकी जिहड़ा हैगा कि पिंड दे विच मैं रात भी मौके ते गया ही, हुण भी जिहड़ा उत्थों मौके तो आ रहा वा कि वेरीफाई करके सीसीटीवी फुटेज लैके अगे फरदर जो भी गल क्लीयर होगी उहनू जिहड़ा हैगा मुकदमे च उहनू नामजद किया जाऊगा। हुण घबराउण दी लोड़ नहीं, हर बीमारी दा इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां द्वारा साइल हेल्थ केयर अमृतसर ते, बेओलाद शारीरिक ताकत, IBS स्पर्म काउंटिंग, मैन पावर, हर बीमारी दा पक्का ते सफल इलाज साहिल हेल्थ केयर आयुर्वेदिक सेंटर। लेकिन अज भी साडे भारत दे विच आयुर्वेद नूं बहुत मान्यता दित्ती जांदी है, बहुत महत्व है। आदमी दे विच जिहड़ी अंदरूनी कमजोरी आउंदी है उह कई रोगां करके आउंदी है, जिहड़े औलाद पैदा नहीं कर सकदे उहनां नूं शुक्राणुआं दी कमी। मिलो रोजाना 10 to 6 साइंस हेल्थ केयर सेंटर, 140 रोड, अमृतसर, संडे छुट्टी।